दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, जो आगे आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले उसी से जुड़ी हुई ये खबर है। तो इसमें आपके जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जो परीक्षा केंद्र जहाँ से आपको जो आंसर शीट जमा करना है वहाँ जाकर, तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। और आपको वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी मतलब आंसर शीट भी लेना है और लिखने के बाद जमा भी करना है, तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो देख लीजिए एग्जाम सेंटर यहाँ पर चेंज हुए हैं कि वही है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबंध सभी महाविद्यालयों के लिए ये परीक्षा केंद्र के बारे में नोटिफिकेशन है। तो जिन महाविद्यालयों के लिए परीक्षा केंद्र यहाँ पर मई जून 2021 के पूर्व प्रेषित अधिसूचना क्रमांक यहाँ पर 1641 दिया गया है, जिसमें परीक्षा महाविद्यालय सेमेस्टर 2021 लिए जो नोटिफिकेशन आया था 7 अगस्त 2021 को, और उसके बाद बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड सेमेस्टर परीक्षा 2021 के लिए 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, केंद्रों की सूची आई थी, और उसके बाद संशोधित करके उसमें बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड सेमेस्टर 2021 इसके लिए नोटिफिकेशन 24 अगस्त को आया था, और फिर डीसीए, पीजीडीसीए इनके लिए परीक्षा केंद्रों की जो सूची आई थी 7 अगस्त को, उसके बाद उसमें संशोधित करके डीसीए, पीजीडीसीए केंद्रों की सूची 24 अगस्त को आई थी। तो उसके बाद फिर एलएलबी के जो परीक्षा केंद्र उसकी सूची आई थी सेमेस्टर के लिए 7 अगस्त को ही, बीबीए के लिए आया था जो नोटिफिकेशन जिसमें केंद्रों की सूची बताई गई थी। तो 7 अगस्त को जितने भी यहाँ पर पूरे कोर्स लिखे गए हैं बीए, एलएलबी, उसके बाद एलएलएम और एमएससी, आईटी, तो एमबीए, एमसीए, बी वोकेशनल, सीबीएस और भी जितने पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी, उसके बाद उसकी संशोधित होने के बाद और भी सूची आई थी जो कि लास्ट यहाँ पर 28 दिसंबर को आई थी। तो सभी कोर्स का एक बार आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा कि जितने भी कोर्स है उसके लिए पूर्व में यहाँ पर एक तारीख है 28 दिसंबर को परीक्षा मई जून 2021 के लिए जो परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई थी, तो वही सूची अब जो आने वाले आपके जो सेमेस्टर परीक्षा है दिसंबर जनवरी के 2021-22 के लिए, तो वही जैसे के वैसे सूची जो पहले थी 28 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार मई जून की परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा के लिए, तो सेम परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है वो सेम वैसे ही रहेगी, वहीं पर आपको आंसर शीट जमा करना है। तो कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी आपके जो सेमेस्टर परीक्षा होंगे दिसंबर जनवरी वाले, तो उसमें आपको वहीं पर जाकर आपके आंसर शीट वगैरह जमा करना है, और ठीक है। तो परीक्षा केंद्रों की सूची यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, जो पुराने थे यहाँ पर मई जून के सेमेस्टर के लिए जो सेंटर थे वही सेंटर अभी भी जैसे के वैसे रहेंगे। तो यही नोटिफिकेशन बताया गया है कि जो आपके परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।